तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप देख रहे हो आरएच वर्ल्ड, मैं हनूर। आप देख रहे होंगे कि आज का व्लॉग हम कर रहे हैं बस से शुरू। तो मम्मा और राजवीर तो पीछे बैठे थे, मैं और ताई सभी मतलब कि सब अब आगे बैठे हुए थे। तो लो फिर हम पहुंच गए आज हम श्री अनंतपुर साहिब, क्योंकि आज था पेंडू मेला और हम देखने जा रहे हैं। तो आज मैंने पहना है पंजाबी सूट। तो पहले तो हम घर जाएंगे, क्योंकि हमें मतलब कि बहुत ही ज़्यादा प्यास लग रही थी और हम सोच रहे थे कि चलो घर जाके पहले सबसे मिल लेते हैं, फिर जाएंगे हम सारा मेला देखने के लिए। क्योंकि आज पापा नहीं आए हमारे साथ, हम बस में आए, पापा काम पे थे, उनको छुट्टी नहीं मिली। तो आते ही हमें मिल गया पीने के लिए ठंडा ठंडा लिमका, और धूप बहुत और रखी थी। तो यहाँ पर सभी दादी सबको दे रहे थे, और देखो यहाँ पे दादी सभी, हम प्रणाली दादी सभी हाई कर रहे थे, और यहाँ पे समर सिमर और ज्योतबुई मतलब कि सभी लिमके के पीछे लगे हुए थे, क्योंकि गर्मी थी इसलिए। तो हमने दादी ने सबको लिमका दे दिया, तो बड़े छोटे दादी लगे हुए थे सबको डालने के लिए, सभी बच्चे उनके आले दुआले घूम रहे थे कि हमें भी चाहिए हमें भी चाहिए। और फिर इससे बाद हम जाएंगे मेला देखने के लिए। तो खाना पीना हमने खा लिया था घर पे बहुत ही अच्छे से, क्योंकि लंगर थे, लेकिन मामी और नानी नहीं माने कि कहीं घर पे ही खा के चलते हैं। तो घूमते हैं, तो देखते हैं अब हम क्या देखते हैं यहाँ पे क्या नहीं। तो आज भी इतना रश, मतलब इतना ज़्यादा नहीं था, ठीक था, बट बहुत ही मज़ा आने वाला है। क्योंकि आज देखेंगे कि चंडौल हम लेते हैं कि नहीं लेते, क्योंकि और टाइम की वजह से टाइम बहुत हो गया। ये हमारे सबसे छोटे वाले दादी है जो आपको हाय कर रहे हैं, और मतलब सभी आए हुए थे, और देखते हैं जो ज्योतिबुई सिमुबुई सभी हमारे साथ थे। हम चलते हैं मेला देखने, दादी भी थे एंड सभी बच्चे थे। तो आज वैसे इतना रश नहीं था, आज देखते हैं, क्योंकि पेंडू मेले के दिन ना रश कम हो जाता है, और यहाँ पे जो सामान है वो बहुत ही ज़्यादा सस्ते में मिल जाता है। तो हम इसलिए आए हुए थे, और हम यहाँ पे इसलिए रुक गए थे क्योंकि ये सामने श्री केसगढ़ साहिब गुरुद्वारा है। तो यहाँ पे सभी घोड़ सवार मतलब कि जो भी करते हैं ना, वो ऊपर से घोड़े बहुत ही ज़्यादा ना तेज़ तेज़ आ रहे थे। तो हम यहाँ पे वेट कर रहे थे क्योंकि हमें करनी थी सड़क क्रॉस। तो चलो हम आपको भी दिखा देते हैं, देखो यहाँ पे कितनी तेज़ तेज़ गाड़ी और घोड़े कैसे आ रखे थे। तो डर भी लग रहा था क्योंकि बहुत तेज़ आ रहे थे, तो इसीलिए। तो चलो अब यहाँ पे हमने सड़क तो पार कर ली। यहाँ पे एक बैलून दिख गया जो कि बहुत ही बड़ा था गाइस, पर हमसे नहीं फूलता। हमने कितनी बार सभी जगह से मेलों से लिया था, और राजवीर ने भी ले लिया, तो राजवीर को भी मिल गया था, और हम सीधा पहुँच गए। देखो यहाँ पे पूरा मतलब कि जो भी मर्जी ले लो सिर्फ 10 रुपये में, इतना कुछ था 10 रुपये में। फिर मैंने ली पायल जो कि मुझे बहुत ही पसंद आई। तो सभी बच्चे टैटू को देखने लगे कि ये देखो टैटू कितने अच्छे अच्छे बन रहे हैं। तो ये बच्चों की देख मतलब कि बच्चों की देख चीज़ नहीं है। तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, मैंने तो बहुत ही सारा सामान ले लिया जो कि बहुत ही सस्ते में मिल गया। और ये हमारी बुई खुश हो रहे थे कि तुम ब्लॉग कर रही हो इसलिए कुछ भी। तो हम फिर आगे गए, तो यहाँ पे 20 रुपीज़ में सभी कुछ था। ये एक मैंने देखा पूरी नज़र वाला, तो मतलब कि प्लास्टिक का बनाया हुआ था, बहुत ही ज़्यादा सामान था गाइस, इतना ज़्यादा। और राजवीर को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ। तो राजवीर यहाँ पे रोने लगा कि मुझे तो बैट बॉल चाहिए, क्योंकि बैट बॉल यहाँ पे नहीं थे। यहाँ पे सिर्फ कॉस्टली लेडीज़ सामान वगैरह घर के लिए कुछ भी ऐसा था। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी चैन थी, तो नेम लेटर्स की, तो बुई हाई कर रहे हैं आपको। तो राजवीर इतना ज़्यादा थक गया था, ये मान ही नहीं रहा था कि दीदी मुझे उठा लो। हाँ, तो ये मतलब कि राजवीर इतना ज़्यादा थक गया, मेरी गोदी से नहीं उतर रहा था। मैंने बोला था कि राजवीर मेरे पास ही आ जा, मम्मा से नहीं चला जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिल गया आइसक्रीम वाला अंकल, तो हमने ज़िद की मम्मा से, तो हमें तो चाहिए चाहिए, लेकिन हमें पसंद नहीं आ रही थी। और मैं और राजवीर अंकल की रेडी के ऊपर ही मतलब कि खड़े होकर देख रहे थे कि कौन सी चाहिए। मैंने ली मतलब कि दूध वाली, और राजवीर ने कोका कोला वाली। हम फिर से यहाँ पे खड़ गए थे, वहाँ पे भी इतनी मतलब सस्ती थी। मैं कर रही थी ब्लॉग, तो यहाँ पे मुझे ना बहुत ही प्यारी छोटी सी बॉटल मिली 10 रुपीज़ की, जो कि पानी में हम रखेंगे तो ये
मतलब कि 24 घंटे के बाद बड़ी हो जाएगी। तो राजवीर आ गया सीधे फुटबॉल लेने के लिए। यहाँ पे इसको आ गई थी बास्केटबॉल पसंद, लेकिन यहाँ पे इतनी इतनी ज़्यादा जिद की तो समझ नहीं आया, तो हमने इसकी एक फुट मतलब कि बास्केटबॉल भी ले ली। तो यहाँ पे समर ले रहा था स्लीपर्स, तो हमें देखो इतना छोटू सा सैंडल मिला ना, कितना क्यूट सा था। तो ये मैं मम्मा को दिखा रही थी, मम्मा कितना क्यूट है। तो मम्मा बोल रहे थे कभी आप बिक के भी आता था इतना छोटा सा साइज। तो अब हम आ गए थे घर, तो घर पे देखो ये बस एक दूसरे को बस यही करते रहते हैं, हर वक्त लड़ते ही रहते हैं। तो ये है श्री करेसगढ़ साहिब गुरुद्वारा, जो कि हमारे घर के सामने ही है बिल्कुल। तो यहाँ पे एक लगा हुआ था बॉल बहुत ही बड़ा, जिसपे बना हुआ था 9/11 एंड सिद्धू मूसेवाले की फ़ोटो। तो एक वो सामने था, उस पर लिखा था GINU, जो कि बस अड्डे के सीधा ऊपर लगाया हुआ था। तो यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा था, और मौसम भी इतना अच्छा बदल मतलब कि बादल बारिश वाला हो रखा था, और हम सभी बच्चे ऊपर आए हुए थे। तो ये देखो, तो अभी भी यहाँ पे मेला चलेगा कम से कम बैसाखी के दिन तक। तो आप भी चाहे आनंदपुर साहिब आओ तो देखो और इन्जॉय करो। तो अभी हम जा रहे थे घर को, तो राजवीर ने एक काम कर दिया, जैसे ही बैलून फुलाया और छोड़ के सीधा ऊपर पहुँचा दिया। तो राजवीर अब रोने लगा कि मुझे ये बैलून चाहिए। तो अभी हम तो जा रहे थे घर को, और अभी हम मेले में जा नहीं सकते थे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो फिर यहाँ पे जो हमारी जोतु भैया, उनका छोटा भाई ऊपर गया और उसने बैलून नीचे फेंका, तो राजवीर की खुशी। और तो सीधा हम आ गए बस स्टैंड पे। इतनी मुश्किल से हमने सड़क क्रॉस की, तो हम बस के लिए यहाँ पे रुक गए थे। और इतना रश था ना गाइस, तो सच में हम कम से कम 1 घंटे के बाद जाकर कहीं बस मिली। और यहाँ पे देखो, आप देख ही सकते हो सभी बस के लिए ही रुके हुए थे। शाम के 6 बज रखे हैं यहाँ पे। तो अभी भी ट्रॉली गाड़ीज़ अभी मोटरसाइकिल अभी भर भर के आ रही थी, क्योंकि ऐसे ही चलेगा ये मेला। तो अभी तो यहाँ पर ऐसे ही रश रहेगा कम से कम बैसाखी तक, जैसे मैंने आपको बताया। तो वो सामने आपको दिख रही होंगी बहुत बड़े बड़े बॉल्स, कितनी बड़ी है। तो इसीलिए यहाँ पे हमें दिखी ये ट्रेन, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो आज भी वहाँ पर पता नहीं क्यों गुस्सा कर रहा था, समझ नहीं आ रहा था। तो फाइनली हमें बस मिल गई, और बस इतनी फास्ट चल रही थी कि मम्मा ने ही हमको पकड़ लिया, क्योंकि डर लग रहा था। हम बिल्कुल खिड़की के पास बैठे सभी फैमिली, क्योंकि हम पूरी पीछे बैक वाली सीट पे बैठे हुए थे सभी। तो यहाँ पे हमें पापा का फ़ोन आ गया, तो हम पापा को बोल रहे थे कि पापा हमें बस। तो फाइनली घर पे पहुंच गए, तो आते ही हमने कर लिए अपने कपड़े चेंज, क्योंकि हमें लग रही थी बहुत ही ज़्यादा गर्मी। तो थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमें सपोर्ट करो। बाय बाय, टेक केयर।